हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वन्ना। तो आज का वीडियो 100% आपको पसंद आएगा ही, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा मिक्सचर शेयर करने वाली हूं जो स्किन के ऊपर लगाते ही बहुत सारी आपकी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको डिफरेंट तरीके के पैक यूज़ नहीं करने हैं तो आप ये विंटर सीजन में एक मिक्सचर ट्राई कर सकते हो। इससे आपके ओपन पोर से, बहुत बड़े आपके चेहरे के ऊपर लार्ज पोर से, या तो चेहरे के ऊपर पिंपल से, पिंपल के निशान रह गए हैं, स्किन का कलर आपका काफ़ी डल हो गया है, या तो सनटेन है, तो उसको दूर करेगा। और दूसरा जो मैं यहाँ पर आपको मिक्सचर शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर, वो आपकी पफी आइज की प्रॉब्लम, आपकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, ना पसंद आए तो आप खुशी खुशी डिसलाइक कर सकते हो, चॉइस आपकी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको DIY बताऊँ, उससे पहले गाइस, आजकल की हम सबकी लाइफ बिजी हो गई है, वो तो आप सबको पता ही है। ऊपर से हमें ढेर सारा काम रहता है, अगर आप स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो देर रात तक जगते हो, और काम की वजह से कई बार तनाव, स्ट्रेस की वजह से हमें काफ़ी सारी चेहरे के ऊपर डार्क सर्कल पड़ जाते हैं। पूरी नींद ना होने की वजह से हमें चेहरे के ऊपर डार्क सर्कल पड़ जाते हैं और चेहरा काफ़ी ख़राब दिखने लगता है। तो उसके लिए भी मैं आपको सिंपल यहाँ पर तरीका बताऊँगी कि आपको अगर सिंपल तरीके से पफी या इस डार्क सर्कल को कैसे दूर करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। दूसरी यहाँ पर जो चीज़ बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आजकल काफ़ी सारे लोगों को डिफरेंट पैक बनाने का टाइम नहीं होता है। तो आप ये सिंपल मिक्सचर को, यहाँ पर मैं आपको जो टमाटर वाला मिक्सचर बताऊंगी ना, वो आप सिंपल मिक्सचर को लगाकर चेहरे की अनेकों प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हो, जैसे कि लार्ज पोर्स हो गए, पिंपल के मार्क्स, एक्ने के निशान, चेहरा काफ़ी डल हो गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये दो मिक्सचर मैंने कैसे रेडी किए हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, यहाँ पर हम जो मिक्सचर बनाने वाले हैं उसके लिए हमें खीरा चाहिए होगा, क्यूकुम्बर चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टुकड़ा लिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले खीरे को अच्छी तरीके से धो लेना है, क्योंकि उसके ऊपर अगर गंदगी होगी तो वो भी हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर धोने के बाद आपको छिलके इसके निकालने नहीं है, इसको ऐसे ही इसका जूस निकाल लेना है। आप चाहो तो मिक्सी में डायरेक्टली निकाल सकते हो, या तो मेरे जैसे कद्दू क्रश करके इसका जूस आप इंस्टेंटली निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सिंपल और बहुत ही क्विकली जूस निकलने वाली यहाँ पर आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर कद्दू क्रश करने के बाद आपका जो खीरा होगा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको छन्नी की मदद से इसको छान लेना है और स्क्वीज करके इसका सारा जूस निकाल लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 टेबल स्पून जितना जूस निकाल लिया है। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। सबसे जो पहला तरीका है उसके लिए आपको यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पर टमाटर का जूस लेना है। टमाटर गाइस हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये भी हमारे पोर्स को साफ करने के लिए, चेहरे के ऊपर ग्लो लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, तो डलनेस को दूर करता है इंस्टेंटली। और आजकल तो आपको विटामिन सी के काफ़ी अलग अलग तरीके के सीरम भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें करीब 1/2 टेबल स्पून जितना लेमन जूस ऐड करना है। अगर आपको सूट करता है तो कर सकते हो ऐड, अदरवाइज आप इसके बदले 1/2 टेबल स्पून जितना रोज वाटर भी ऐड कर सकते हो। और लास्ट में हमें यहाँ पर करीब 1 टेबल स्पून जितना क्यूकुम्बर का जूस हमने जो अभी बनाया था वो ऐड करना है। बाकी का जूस का क्या करना है, कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो आप एंड तक वीडियो पूरा देखना। और बस इन सबको आपको तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा अल्ट्रा ड्राई स्किन है तो आप 1/2 टेबल स्पून जितना यहाँ पर एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हो। तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमारा मिक्सचर यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बाकी का जो क्यूकुम्बर जूस बचा है इसका आपको क्या करना है। तो अगर आपको पफी आइज, डार्क सर्कल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको करीब 2 से 3 टेबल स्पून जितना क्यूकुम्बर जूस निकाल लेना है। और इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर कॉटन पेड है, तो हाफ में यहाँ पर कट कर लूँगी, जिससे हमारे डार्क सर्कल के ऊपर ये अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। आपके पास नहीं है तो आप सिंपल वाली रुई भी ले सकते हो, और डिप करके बस आपको अंडर आई एरिया पर लगा देना है, तो आपकी जो पफी आइज की प्रॉब्लम होगी ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। खीरे में एस्ट्रिजन प्रॉपर्टीज होती है, एस्ट्रिजन प्रॉपर्टीज से हमारे जो पोर्स होते हैं ना, बड़े लार्ज ओपन पोर्स जिसमें कचरा जमा हो गया है, धूल मिट्टी पोल्यूशन जमा हो गया है, तो उसको साफ करने में एस्ट्रिजन प्रॉपर्टीज काम आती है। दूसरी, जो खीरे का जूस होता है ना, वो टेनिंग को दूर करता है, ये हमारी स्किन पर जो एजिंग के निशान होते हैं ना, उसको रिवर्स करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को रिजुवेंट करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। खीरा काफ़ी सस्ता आता है, तो आप इसका जूस डेली चेहरे के ऊपर लगा सकते हो। इससे आपके चेहरे के ऊपर जो
एजिंग के मार्क्स होंगे ना वो धीरे धीरे हल्के होते जाएंगे। आप सिंपल ककड़ी का जूस अगर चेहरे के ऊपर लगाओगे ये विंटर सीजन में तो आपको यू नो एकदम फ्रेश स्किन मिलेगी। इससे आपकी स्किन रिवाइटलाइज हो जाएगी, आपकी स्किन रिजुवेंट होगी और स्किन के ऊपर जो एजिंग के निशान होंगे ना फाइन लाइंस रिंकल्स जैसे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो चलिए फेस के ऊपर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस ये मिक्सचर को लगाने से पहले आप फेस को पानी की हेल्प से धो लीजिए। आपके चेहरे के ऊपर कोई भी क्रीम नहीं होनी चाहिए। मेरा चेहरा यहाँ पर क्लीन नॉर्मल है, मैंने कुछ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, जस्ट मैंने यहाँ पर लिपस्टिक ही अप्लाई की है। तो आपको कॉटन लेना है, रुई लेनी है और डिप करके पूरे चेहरे के ऊपर मिक्सचर अप्लाई कर देना है। गाइस ये मिक्सचर आप 2-3 दिन तक बनाकर स्टोर भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो गाइस ये मिक्सचर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप यू नो एक साथ 2-3 दिन का बना सकते हो। ये मिक्सचर काफ़ी सिंपल है, इससे ना आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि पिंपल है या तो पिंपल के बहुत ज़्यादा आपके चेहरे के ऊपर धब्बे रह गए हैं, मार्क्स है या तो ओपन पोर्स आपको बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपके पोर्स को ही साफ कर देगा। जब आपके पोर्स ही साफ हो जाएगी तो कचरा निकल जाएगा, तो आपका जो फेस होगा अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो टमाटर में विटामिन सी होता है उससे हमारे चेहरे के ऊपर एक ग्लो आता है, एक साइन आती है, चमक आती है, सनटेन रिमूव हो जाता है, जो भी कालापन होता है वो इजीली निकल जाता है। थर्ड, हमने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है क्यूकम्बर जूस, ये एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज होती है तो चेहरे को भी साफ करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन पर नमी बनाएगा, हमारे पोर्स को टाइट करेगा, हमारी स्किन को टाइट करेगा और एंटी एजिंग के जो निशान है ब्लेमिशेस से ये सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो मिक्सचर पूरे चेहरे के ऊपर लगा देना है, बस उसके बाद आपको 10-15 मिनट्स इसे ऐसे ही छोड़ देना है। जब तक मेरा ये जूस सूख जाता है तब तक यहाँ पर मैं डार्क सर्कल के ऊपर मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था वो अप्लाई कर लूंगी। जब तक ये मेरा जो मिक्सचर है मेरे चेहरे के ऊपर सूख जाता है तब तक यहाँ पर मैंने जो सिंपल क्यूकुम्बर मिक्सचर निकाल लिया था मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी आंखों के नीचे गाइस बहुत ज्यादा पफीनेस है, डार्क सर्कल वहां पर आपको बहुत ज्यादा रहती है या तो आंखों पर आपको थकान महसूस होती है तो डेली नाइट को गाइस आपको सोते टाइम ठंडा क्यूकुम्बर जूस यानी खीरे का जूस है वो लगाना चाहिए। इससे आंखों पर ठंडक भी पहुंचती है, साथ ही साथ जो डार्क सर्कल पफी आइज की प्रॉब्लम होती है या तो कालेपन की जो प्रॉब्लम होती है ना वो इंस्टेंटली धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 यू नो कॉटन पैड ले लिए। आप सिंपल सा जो कॉटन आता है रुई वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि सिंपल कॉटन को क्यूकुम्बर जूस में डिप करके आपको आंखों के एरिया जहाँ पर आपको डार्क सर्कल है वहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। तो चलिए मैं वो कर लेती हूँ। तो गाइस अगर आपको महंगी अंडर आई क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी है तो आप ये सिंपल तरीका डेली नाइट को सोते टाइम कर सकते हो, क्योंकि पूरे दिन की जो थकान होती है ना उससे हमारी आँख बहुत ज़्यादा पेन करती है, हमें आँख बहुत ज़्यादा जलने लगती है, तो क्यूकम्बर जूस लगाने से आँखों पर एक ठंडन भी आ जाती है, साथ ही साथ जो अंडर आई की प्रॉब्लम होती है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, कालेपन की प्रॉब्लम होती है वो हट जाती है। और आपको सिंपल सी मसाज कर देनी है जिससे क्यूकम्बर जूस पूरी तरीके से अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और 10 मिनट के बाद चेहरा आपको धो लेना है। तो गाइस ये है हमारे मिक्सचर का फाइनल रिजल्ट। आपने देख लिया ना कि सिंपल 3 चीज़ों से बनने वाला जो हमारा मिक्सचर है ना इंस्टेंटली आपके चेहरे को हाइड्रेट कर देगा, चेहरे के ऊपर एक नमी लाएगा, चेहरे को बहुत ही सॉफ्ट करेगा, जो डल स्किन है इसके ऊपर ग्लो लाने का काम करेगा। इसमें आपको कंपलसरी क्यूकुम्बर जूस इसलिए डालना है क्योंकि वो हमारे पोर्स को अच्छी तरीके से साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। जब हमारे पोर्स में जो भी कचरा होता है ना तो वो हमारे चेहरे के ऊपर एक डलनेस लाता है, हमारे चेहरे का जो ग्लो है वो दबसा जाता है। तो जब हमारे चेहरे के पोर्स अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो चेहरा अपने आप काफ़ी ग्लोइंग दिखने लगता है, साफ दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने जो मिक्सचर आपको बताया है ना उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगी, स्किन टाइट होने लगेगी। आप स्टार्टिंग में इसे 1 वीक में डेली लगा सकते हो, इसे डेली लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सिंपल से हमने यहाँ पर 3 चीज़ इस्तेमाल किए। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे ना आपके अंडर आई की प्रॉब्लम, आपके चेहरे के ऊपर पिंपल है, काफ़ी स्किन डल हो गई है या तो फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रॉब्लम है, सनटेन के निशान आपके चेहरे के ऊपर है, तो धीरे धीरे करके वो लाइट होते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको वीक में डेली इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट वीक आप इसको वीक में 3 बार कर सकते हो। सारे स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा यू नो सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, खींचने लगती है और पोर्स भी लार्ज हो जाते हैं, तो उस टाइम ये आपके मिक्सचर को
तो उस टाइम ये आपकी स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करेगा, स्किन के ऊपर नमी लाएगा और आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट्स करना, और कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे आप नीचे बताना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरे चैनल में मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाए हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। बाय गाइस, लव यू ऑल।